जिस तरीके से फिल्मों में, जिस तरीके से पहले कश्मीर फाइल्स, उसके बाद केरला फाइल्स और अब वीर सावरकर के ऊपर जो फिल्म आ रही है, क्या लगता है कि भविष्य की राजनीति फिल्में फिल्मों से इतिहास बदलने का पत्रकार हैं? मुझे नहीं पता किस पत्रकार चैनल के पत्रकार हैं। अरे मैं तो आपसे कहूँगा, जिस भी आप क्रांतिकारी या महापुरुष का नाम लो, जिसको भी बीजेपी जिस रूप में देखती हो, अरे सच्चाई तो जानो जी। अगर सच्चाई जानोगे, अगर सच्चाई के साथ कोई फिल्म आए तो अच्छी बात है। नहीं, आप केवल अपने स्वार्थ के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए फिल्में बनाएं, तो ये जनता और देश के लिए धोखा है। तो क्या लगता है इतिहास को तोड़ने मुझे नहीं पता कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे। मेरी जानकारी नहीं है कि कितना पढ़े लिखे होंगे, इतिहास के बारे में कितना जानते होंगे। हम तो यही आपसे पूछेंगे, अगर ये सवाल पूछते हो कि जो जिनका नाम ले रहे हो आप, वो किस समुद्र में तैरे थे, बता दो हमें बस। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। जी कैमरा, अरे भाई बात खत्म होने दो, इतना ज्ञानी पत्रकार भाई। मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार भाई, हम बुद्धिजीवी जो पढ़ा लिखा मानते हैं आपको, वो किस समुद्र में तैरे थे बता दो। अरे भाई तुम भी जब फेल हो गया, दसवें के बाद बारहवें करना जा रहे हो? नहीं, बारहवें के बाद दसवें करने जा रहे हो? तुम भी 46-56 वाले तो नहीं हो? पूरा सवाल के जवाब, साल में उनको सजा सुनाई गई तो लगातार वहाँ से माफी के लिए मांग कर रहे थे। हाँ, ये ठीक बात, सावरकर माफ कर रहे, तो महात्मा गांधी से भी कहा था, लेकिन क्या रहा उस समय? इतिहास हर व्यक्ति अपने हिसाब से टोल मरोड़ के पेश करता है। इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता, इतिहास नहीं बदला जाता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं वो टोल मरोड़ के पेश करती हैं। हाँ, ये मैं सहमत हूं। इस लोकतंत्र को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी का संघर्ष करेगी, क्या स्टेप उठाएगी?